यानी वो मोहब्बत से भी देखेगा, आंखें भर के भी देखेगा। ये क्या, ये इंडिया का झंडा किधर आ गया भाई? नरेंद्र मोदी जैसे बंदे से दोस्ती नहीं होनी चाहिए। हम जितने मर्जी पॉजिटिव हो लें, हमेशा वहाँ से नेगेटिविटी, जवाब नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है। अब इसलिए उम्मीद ही छोड़ दी है कि ये लोग कभी इंसान बनेंगे। हमें जो शो करना है, हमें यही शो करना है कि अगर हम आज उनकी रिस्पेक्ट करेंगे या उनके फ्लैग की रिस्पेक्ट करेंगे, उनके लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो भी हम लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे। मैं ये नहीं समझती कि इंडियन फ्लैग को मैं देख के उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं एक डिफरेंट कंट्री के फ्लैग को देख के उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर आप उनको उनके खिलाफ बोलेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। मैं क्या बताऊँ अब, बस ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, चलते चलते सेगमेंट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त अमन। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तिरंगा हमारे में तो दो रंग है, तिरंगा हो या दो रंगा, मैं तो दोनों की रिस्पेक्ट करती हूँ। आइए चलते हैं और जानते हैं यहाँ पे आए हुए लोगों से कि वो इसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। कौन सा फ्लैग ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे पाकिस्तान। इंडियन क्यों नहीं? मुझे इंडियन है इसलिए नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हमारे दुश्मन है। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि वो हमारे दुश्मन। क्यों दुश्मन? आपको किसने बताया कि वो हमारे दुश्मन है? मुझे मेरे पापा ने बताया था। इंडियन फ्लैग को देख और जो है वो कुर्बानी पीस, दोनों पीस को करते हैं, लेकिन वो जो है पीस की ज़रूरत है हमें, हमारे कंट्री को,
उनको भी जरूरत है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते ना, दोनों कंट्रीज में से कोई भी मूव ऑन नहीं कर सकता अगर आप पीस जो है उसको खत्म कर देंगे खुद अपनी मर्जी से। पाकिस्तानी फ्लैग के जो कलर है, जो ग्रीन कलर है, वो हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको शो करता है, ठीक है। जो वाइट है, वाइट हमारा कलर है, वो जो है वो जो माइनॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर वो उनको शो करता है। बाकी जो ग्रीन कलर जो है इंडियन फ्लैग में, वो आई थिंक सो के मुस्लिम कम्युनिटी को, और जो वाइट है वो उनकी माइनॉरिटीज़ को, क्योंकि उधर भी आपको पता है कि जो है वो ईसाई वो सब लोग बहुत सी कौमें वहाँ रहती हैं, और जो ऑरेंज कलर है वो हिंदू कम्युनिटी को जो है वो करता है। हेट तो करते हैं आप इंडियन को, तो ये नहीं पता आपको कि कितने कलर हैं। अच्छा, बस हमें इंडियन की तरह तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान की तरह बस तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान में कितने कलर हैं? पाकिस्तान के फ्लैग में दो कलर हैं। कौन कौन सा? एक वाइट और एक ग्रीन। जहाँ तक हमने पढ़ा है पाकिस्तानी फ्लैग में ग्रीन कलर मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कलर उसमें जो माइनॉरिटीज है उसको रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक कलर है, वाइट कलर। एक तो इसमें भूख बहुत लगी हुई है, मैं ऑर्डर कर रहा था खाना। लग भी रहा आपको भूख ज्यादा लगी। पाकिस्तानी फ्लैग में मून और स्टार है और इंडियन फ्लैग में व्हील है, अगर इन दोनों को रिप्लेस कर दिया जाए तो कौन सा झंडा खूबसूरत ज्यादा लगेगा? हम कभी गलती से वो आप सोचें भी ना कि जो है हमारे झंडे में से किसी किस्म की कोई चीज़ जो है रिप्लेस करने की, वो पहले दिन से इंशाल्लाह वो है और हमेशा ता क़यामत जो है ना चांद सितारा उस पर चमकता रहेगा। इस ये जो है इसका जो मर्जी हो, इसके अंदर ब्लैक कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, वो सूट करेगा। हम एज अ पाकिस्तानी जो ऑब्वियसली पाकिस्तान का ही फ्लैग अच्छा लगेगा, बीच में से आप कुछ भी रिमूव कर दें मुझे पाकिस्तानी का फ्लैग ही अच्छा लगेगा। वैसे रिप्लेस करना बनता नहीं है, ऑलरेडी जो स्टार में है वो ही अच्छा लग रहा है, तो हम कुछ चेंज नहीं चाह सकते। इमरान खान को क्यों कहते हैं कि भाई चेंज लाओ? वो तो डेफिनेटली लाइक आवाम में इसका डजंट मीन के झंडे को चेंज करना है। वैसे सच बताऊं ना, सच बताऊं तो यहाँ वीर की जगह ना बंदूक होनी चाहिए। जो इन्होंने कश्मीर में जुल्म और सितम कर रखा है ना इन्होंने, और ये जिन बर्बादियों पे ये लोग तुले हुए हैं, ये इंसानियत से ना बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं। खुदा का खौफ करें। प्लेस क्यों किया जाए? जो हमारे कैद ने ये हमें झंडा बना कर दिया, वो कौन करेगा इसे? कोई भी नहीं कर सकता, खप पै जाएगी। पहले पाकिस्तान खपा नहीं हुआ, नहीं ये ज्यादा खप पै जाएगी जी। ये मौलवियों तो भी काम आ जाना चाहिए वाला जी। पाकिस्तानी फ्लैग में एक कलर ऐड करना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी फ्लैग में जो है वो कोई और कलर जो है वो ऐड करना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है ये काफ़ी है, क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो ऑब्वियसली मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो, तो इसमें सभी मुस्लिम्स आ जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो वाइट कलर है वो हर एक कम्युनिटी को, कैसे हम कलर ऐड कर सकते हैं कि अगर हम कोई कलर ऐड करते हैं, सपोज पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, अगर हम ऑरेंज कलर ऐड कर देते हैं तो वो फिर जो सिख कम्युनिटी है या जो है वो ईसाई कम्युनिटी है, वो कहते हैं कि हमारा भी कलर ऐड किया जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमें पता है कि भाई जो हमारा वाइट कलर है वो जो है वो ऑल कम्युनिटीज़ को जो है वो शो कर रहा है, तो इसलिए बेहतर है कि ये दो ही कलर्स हैं। नहीं नहीं, कभी भी नहीं है, मेरे बुजुर्गों की अमानत है ये। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम इसके अंदर को अमेंडमेंट करें, ये तो मेरे
سکھوں کو دی ہے یہاں پر آزادی اس کے مذہب مذہب کے بارے میں. انڈیا کو بھی چاہیے بھی ہمیں دینا چاہیے کہ ہمارے لوگوں کو بھی وہاں پر ہماری بھی عقیدت ہے وہاں پر کہ ہم لوگوں کو اور ان لوگوں کو ہم سے دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ضرور ہے ہمارے دلوں میں, لیکن یہ جو ہمارے اوپر لیول پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا, گورنمنٹ لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو وہ ہم لوگ آپس میں نہیں مل پاتے, اور ڈسٹرب بھی ہم لوگ ہی ہوتے ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں, تو اس وقت بھی یہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مل ہی رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا, ان کے پرسنل انٹرسٹ جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ لوگ اگر ہوں مطلب ملتے ہوں آپس میں پیار محبت ہو تو بہت اچھا فیل ہوگا, کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا اپنے ماں باپ سے, جیسے سنا ماں سے نانی سے کہ وہ انڈیا میں رہتے تھے اور پھر وہ پاکستان شفٹ ہوئے, اور جہاں وہ رہتے تھے اتنی محبت تھی آپس میں کہ ان کی بچیاں ہندوؤں ہندو فیملیز کی بچیاں ان کے گھر آ جاتی تھیں, ہماری بچیاں ان کے گھر میں چلی جاتی تھیں, کھانے بھیج رہے ہیں ایک دوسرے کے, اور محبت تھی. تو جس طرح کا وہ نقشہ پیش کرتے ہیں تو اب جو سچویشن ہم دیکھتے ہیں تو بڑی کوائٹ مطلب عجیب سی لگتی ہے, پتہ نہیں کیسے محبتیں جو تھیں وہ نفرتوں میں بدل گئیں, حالانکہ خون ان کے بھی رگوں میں بہتا ہے ریڈ جیسا ہماری رگوں میں بہتا ہے. تو آج ہم نے دیکھا کہ پاکستانی عوام کیا سوچتی ہے انڈین فلیگ کے بارے میں. چلو بھائی انڈیا والوں, اب آپ بتائیں کمنٹس میں کہ آپ کیا سوچتے ہیں پاکستانی فلیگ کے بارے میں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.